दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पैलेट द्वारा चलाई हुई ओ लेवल की पाइथन लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे। पाइथन लेक्चर सीरीज में हम अब रीड करने जा रहे हैं 7th चैप्टर को, जिसमें अब हम पढ़ने जा रहे हैं फाइल हैंडलिंग के बारे में। जैसा कि आप टाइटल में देख के समझ गए होंगे, फाइल हैंडलिंग जानने से पहले, उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हमें फाइल हैंडलिंग की आवश्यकता क्या है। देखिए, फाइल हैंडलिंग की आवश्यकता क्या है। जैसे कि सपोज आप अभी तक जो प्रोग्राम बनाते हुए आ रहे हैं, नॉर्मल हम दोबारा से बना लेते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं जिसमें यूज़र, जिसमें कंप्यूटर जो है पूछेगा यूज़र से व्हाट इज़ योर नेम, और यूज़र अपना नाम बताएगा तो कंप्यूटर बोलेगा योर नेम इज़ दिस। ओके, दैट्स ऑल। तो उसके लिए अगर हमें कोई प्रोग्राम ऐसा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे इस चीज़ के लिए? सबसे पहले तो एक मेमोरी लोकेशन, जिसकी आवश्यकता तो होती है। पाइथन चाहता है कि वो यूज़र से कुछ इनपुट ले, तो उसके लिए पाइथन में कोडिंग हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं यहाँ पे इनपुट, देन हम यूज़ करते हैं ब्रैकेट्स का, और जो भी चीज़ हम चाहते हैं कि पाइथन हमको आउटपुट स्क्रीन पर लिख कर दे वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं व्हाट इज़ योर नेम। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब पाइथन हमसे पूछे तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। तो हम जो भी नेम देते हैं, हम जो भी नेम देंगे, पाइथन वो नेम हमको प्रिंट करके दे दे, ठीक है, कि योर नेम इज़ दिस। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जब भी पाइथन इस तरीके से हमसे बोलेगा, पाइथन कंपाइलर हमसे इनपुट मांगेगा कि भैया तुम इनपुट के रूप में बताओ, मतलब तुम हमें एक इनपुट दो। क्या इनपुट दो? व्हाट इज़ योर नेम, यानी तुम अपना नाम हमें इनपुट के रूप में बताओ। तो हमने जो भी नाम लिखेंगे, जैसे मैं कोई भी नाम लिखूंगी, ठीक है, तो वो डेटा बेसिकली कहाँ चला जाएगा? एन मेमोरी लोकेशन के अंदर, ठीक है। अब एन मेमोरी लोकेशन के अंदर डेटा चला तो जाएगा, लेकिन आपको और नहीं दिखेगा आउटपुट स्क्रीन पे। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक यहाँ पे प्रिंट कमांड नहीं लिखी है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको जो भी डेटा आपने दिया है वो आपको आउटपुट स्क्रीन पे दिखे, तो प्रिंट कमांड तो देनी होगी। तो आपने लिखा प्रिंट, देन डबल इनवर्टेड कोट्स लगाए, और यहाँ पे आपने सपोज लिख दिया योर नेम इज देन कॉमा और एन, ठीक है। ये टर्म तो आप बेसिकली लिखना सीख ही गए होंगे। जब भी हमको इस तरीके से कोई स्ट्रिंग लिखनी है तो इसका तरीका क्या होता है? जब भी हम चाहते हैं कि सिस्टम को एज इट इज़ डाटा प्रिंट करके दे, उसको हम डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर लिखते हैं, जैसा कि मैंने लिखा है। और हम चाहते हैं कि उसके अंदर रखी हुई वैल्यू प्रिंट करवाएं, तो हम बिना इन्वर्टेड कोट्स के लिखते हैं ना। जैसे कि मैं, वो पूछेगा कंप्यूटर से व्हाट इज़ योर नेम, सपोज मैंने नेम एंटर किया रानी, तो रानी कहाँ चला जाएगा? एन मेमोरी लोकेशन के अंदर, ठीक है। तो रानी यदि एन मेमोरी लोकेशन के अंदर चला गया, तो मैं क्या चाहती हूँ, सिस्टम मुझे क्या आउटपुट दे? बोले योर नेम इज रानी। प्रोग्राम को हम चलाकर देख लेते हैं। फाइल के अंदर गए, सेव एस किया, और यहाँ पे हमने जस्ट फाइल है तो हम यहाँ पे इसका नाम एफ आई दे देते हैं, एफ आई डॉट पी वाई, ठीक है। फाइल का शॉर्ट फॉर्म दे दिया, आप जो भी नाम देना चाहें वो नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। देन मैंने सेव कर दिया अपना प्रोग्राम, और अब मैं रन पर जाती हूँ, अपने प्रोग्राम को रन करती हूँ। तो देखिए, वो सिस्टम उसे पूछ रहा है व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। वो मुझसे कह रहा है कि भाई अपना नाम जो भी है मुझे हमें इनपुट के रूप में प्रदान करो। तो मैंने सपोज यहाँ पे नेम दे दिया, फर्स्ट टाइम में रानी। अब ये जो रानी है वो बेसिकली कहाँ जा रहा है? आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये जो रानी है वो बेसिकली कहाँ जा रहा है? एन मेमोरी लोकेशन के अंदर। अब जैसे मैं एंटर करूँगी तो उसने बोल दिया योर नेम इज़ रानी। तो ये योर नेम इज़ जो एज इट इज़ मुझे प्रिंट करवाना है सिस्टम से, वो डबल इनवर्टेड कोट्स में लिखा हुआ है, तो उसने बोला योर नेम इज़, और फिर एन क्या है? एन के अंदर रखी हुई वैल्यू प्रिंट करानी है, यानी एन के अंदर रानी रखा हुआ है तो मुझे रानी प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे लिख दिया योर नेम इज़ रानी। अब सपोज मैं इस प्रोग्राम को क्लोज करती हूँ और मैं दोबारा इस प्रोग्राम को रन करती हूँ, तो सिस्टम ने फिर मुझसे पूछा व्हाट इज़ योर नेम। अब सपोज मैं यहाँ पे नाम चेंज करती हूँ और मैं यहाँ पे नाम रख देती हूँ प्रिया, ठीक है। अब एंटर किया तो क्या बोल दिया था? योर नेम इज़ प्रिया, यानी मैं जो भी इनपुट दे रही हूँ वही इनपुट, और मेरे वही दिया हुआ इनपुट आउटपुट के रूप में मेरे इस तरीके से सामने आ रहा है, ठीक है। अब हर कंडीशन में मैं जितनी भी बार नेम चेंज करूँगी, क्या है कि नेम मेरा हमेशा चेंज होगा, क्योंकि बेसिकली जो डेटा है वो कहाँ जा रहा है? एन मेमोरी लोकेशन के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी डेटा जा रहा है बार बार चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है। और ये जो डेटा लिखा हुआ है मैंने योर नेम इज़, ये तो चेंज नहीं कर रहा ना, तो एज इट इज़ रहेगा ना हमेशा,
ठीक है। तो जो भी चीज़ एज इट इज चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए, सिस्टम मुझे एज इट इज प्रिंट करके उसे डबल इंटेड कोर्स में लिखना होता है, और जिस भी चीज़ की मैं वैल्यू चाहती हूँ उसको मुझे बिना डबल इंटेड कोर्स के लिखना होता है। फाइन, इतनी बात आपको समझ में, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, दोबारा से अपने प्रोग्राम को रन कर, थर्ड टाइम फिर से रन करते हैं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि मैं जो भी नेम दे रही हूँ, ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम रानी दिया, सेकंड टाइम प्रिया दिया, थर्ड टाइम आते हैं तो हम नेम सपोज यहाँ पे कुछ और देते हैं, सूरज नाम देते हैं, तो यहाँ पे नेम आ गया योर नेम इज सूरज। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि मैं जितनी बार भी प्रोग्राम को रन कर रही हूँ उतनी बार अपने नेम चेंज कर रही हूँ, वो नाम मेरे को उतने टाइम जो सिस्टम दिखा रहा है, लेकिन ये जो मैंने जितने भी नाम दिए हैं ये नाम मेरे सेव कहाँ जाकर हो रहे हैं। यदि मैंने प्रोग्राम चलाया है, मैंने अपना नाम लिख दिया, नाम लिख के कंप्यूटर ने मुझे बता दिया योर नेम इज दिस, और जैसे मैंने क्लोज किया मेरा ये डेटा उड़ गया। अब जो रानी मैंने कभी लिखा था एन मेमोरी लोकेशन के अंदर सेव किया था, वो डेटा एन मेमोरी लोकेशन से उड़ चुका है, ठीक है। अब मैं जब फोर टाइम फिर से प्रोग्राम रन करूंगी तो नया डेटा इस एन के अंदर स्टोर हो जाएगा, यानी पुराना डेटा मेरा क्या होता जा रहा है, डिलीट होता जा रहा है। तो अब मुझे यदि पुराने डेटा की आवश्यकता हो, अब यदि मैं चाहती हूँ कि भाई जो भी नेम मैंने सेव मैंने स्टोर किए, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम रानी दिया, सेकंड टाइम सूरज दिया, सॉरी फर्स्ट टाइम रानी दिया, सेकंड टाइम प्रिया दिया, थर्ड टाइम सूरज दिया, जो भी मैंने नाम दिया, वो नाम मेरे परमानेंट स्टोर हो जाए। तो अब वो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आपको अपने नेम परमानेंट स्टोर करने हो तो आप क्या करते हो, आपको कोई भी अपना डेटा परमानेंट स्टोर करना हो तो हो सकता है आप बेसिकली एक काम करते होगे कि जैसे कोई भी आप एक फाइल लेते होगे, जैसे नोटपैड ले लिया या एमएस वर्ड ले लिया, ठीक है। अब इसमें आपने डेटा सेव कर दिया रानी, ठीक है, देन प्रिया, ऐसा नाम लिख दिया, फाइल में गए, सेव एस पे गए, डेस्कटॉप की मेमोरी लोकेशन पे सेव करना है, तो आपने यहाँ पे आके नेम, सपोज आपने जो भी नेम दिया, एक्स वाई जेड नेम दे दिया मैंने यहाँ पे नेम डॉट, और आपने सेव कर दिया। अब आप इसको क्लोज भी कर दो तो अब आपके पास ये जो नेम है ये हमेशा के लिए स्टोर हो गए, यानी जब तक आप इसको डिलीट नहीं करते अपनी मेमोरी में से, अपने सिस्टम की मेमोरी से, ये स्टोर बन गए, ठीक है। तो दो चीज़ें आपके सामने समझ में आई, एक पाइथन में जो आप रन करवा रहे हो अपना प्रोग्राम, वो सिर्फ और सिर्फ जितने टाइम तक आपकी रन टाइम में स्क्रीन ओपन है, यानी रन स्क्रीन ओपन है, उतनी देर तक तो आपके सामने दिख रहा है, जैसे ही आप उसको क्लोज कर रहे हो वो डाटा वहाँ से हट जाता है, ठीक है। और ये जो डाटा है जो आपने इस तरीके से .txt के रूप में सेव कर दिया, ये डाटा हमेशा के लिए क्या है, सेव है, मतलब यानी जब तक भी आप चाहें तब तक ये डाटा क्या है, इसके अंदर सेव है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि बेसिकली देखिए आप सभी जानते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसमें दो प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, एक तो आपकी होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी वो होती है जिसमें डाटा कुछ समय के लिए स्टोर रहता है, यानी आपने जब तक उस फाइल को, या तो आप उस फाइल को क्लोज कर दें, आपने लिखी और फाइल को क्लोज कर दिया, सिर्फ तब तक ही डाटा स्टोर रहेगा जब तक आप उस फाइल को क्लोज नहीं करते, अन्यथा वो फाइल ओपन है आपने उसको क्लोज नहीं किया तो हो सकता है लाइट चली जाए या किसी कारण आपका सिस्टम बंद हो जाए तो वो डाटा क्या हो जाता है, उड़ जाता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा नोटपैड में भी हो सकता था, नोटपैड ओपन किया और मैंने यहाँ पे सपोज नाम लिख दिया, यहाँ पे सूरज नाम लिख दिया, मैंने इस फाइल को अभी तक सेव नहीं किया है, ठीक है। अब अगर मैं इस फाइल को क्लोज करती हूँ तो डाटा मेरा उड़ जाएगा, या फिर मान लीजिए मेरा लैपटॉप बंद हो जाता है तो ये डाटा मेरा उड़ जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैंने इसको इस तरीके से, जैसा मैंने अभी बताया था आपको, अगर मैं इस तरीके से कोई नेम लिखा है और उसको मैं सेव कर देती हूँ, सेव एस पे जाके, है ना, और यहाँ पे मैं जो भी है नेम इसका जो भी डाटा दे देती हूँ और इसको अब मैं सेव कर देती हूँ, मैं सेव कर नहीं रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक फाइल आपको अभी बताने में सेव की, तो ये हमेशा के लिए सेव हो गई। तो ये जब हमेशा के लिए सेव हो गई, यानी जब तक आप चाहती तब तक के लिए सेव हो गई ये फाइल, तो बेसिकली ये जो फाइल है वो किस कैटेगरी में आ गई, ये आ गई आपकी, यदि आप फाइल को सेव कर देते हैं अपने सिस्टम में तो वो आ जाती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी की कैटेगरी में, ठीक है, समझ में आ गया। यानी एक मेमोरी होती है प्राइमरी जिसमें डेटा कुछ समय के लिए ही स्टोर रहता है, आपके फाइल क्लोज करने पे या लाइट जाने पे उड़ सकता है, वो डेटा स्टोर होता है आपका प्राइमरी मेमोरी में, यानी वो मेमोरी कहलाती है प्राइमरी मेमोरी, और जो डेटा को सेव करके रखती है हार्ड डिस्क के अंदर वो कहलाती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि हम जो ये प्रोग्राम रन करते हैं पाइथन के, ठीक है, ये बेसिकली डेटा जो भी है आपका प्रोग्राम जो रन हो रहा है,
ये प्रोग्राम आपका रन हो रहा है रैम मेमोरी में, ठीक है, ये वर्क कर रही है आपकी रैम मेमोरी। इसको क्लोज करते तो रानी नाम का डाटा उड़ चुका है मेरा, ठीक है। और आप कोई भी टेक्स्ट फाइल या किसी भी प्रकार की फाइल जिसको आप हमेशा के लिए सेव कर देते हैं, किसी भी फॉर्मेट का यूज़ करके हमेशा के लिए सेव कर देंगे, इसके अंदर कोई भी डाटा लिख के सेव एस पे जाके, तो वो रूप ले लेगी आपकी सेकेंडरी मेमोरी का, जो कि आपके पास जब भी आप फाइल ओपन करोगे तो वो मेमोरी आपके पास हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। मैं इसको अभी यहाँ पे सेव नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको एक फाइल सेव करके बता चुकी हूँ, ठीक है। तो अब हम पाइथन में हम ऐसा कुछ चाहते हैं कि हम जो भी डेटा स्टोर कर रहे हैं, जो भी डेटा ले रहे हैं, वो डेटा परमानेंट हमारी फाइल के अंदर जाके स्टोर हो जाए, परमानेंट स्टोर हो जाए, टेम्प्रेरी ना रहे। तो इस चीज़ के लिए अब हम यूज़ करते हैं फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट। अब ये फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट कैसे होता है, आइए देखते हैं। देखिए, आप क्या चाहते हैं कि आप इनपुट के रूप में जो भी नेम दे रहे हैं, जैसे कि मैंने रन किया मॉड्यूल अपना, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि इनपुट के रूप में जो भी नेम दे रही हूँ, ये नेम मेरा परमानेंट सेव हो जाए किसी ना किसी टेक्स्ट फाइल के अंदर, ठीक है। तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल, यानी जैसे अभी मैंने आपको टेक्स्ट फाइल दिखाई ना नोटपैड की, मैं चाहती हूँ इस तरीके की कोई फाइल बन जाए और उसमें मेरा डेटा पाइथन का क्या हो जाए, सेव हो जाए। तो हम उसके लिए अब क्या कर सकते हैं, सबसे पहले उसके लिए आप क्या करिए, एक मेमोरी लोकेशन लीजिए। देखिए, हम फाइल हैंडलिंग से समझ में आ गया कि फाइल हैंडलिंग मीन्स हमको एक फाइल बनानी है और उस फाइल को संभाल कर रखना है, दैट इज अ फाइल हैंडलिंग ओनली, ओके। तो फाइल बनाने के लिए सबसे पहले कोई भी फाइल बनेगी तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन पे तो स्टोर होगी। जैसे आपके पास भी कोई फाइल होती है, हार्ड कॉपी की कोई फाइल होती है, आपकी मार्कशीट रखी होती है उस फाइल में, तो उस फाइल को कहीं ना कहीं आपके घर में रखने की जगह तो होती है, तभी तो वो फाइल आपके पास रहेगी, आपने बनाई है फाइल आपके पास तभी रहेगी जब आप उसे किसी ना किसी लोकेशन में स्टोर कर दोगे, किसी ना किसी लोकेशन पे रख दोगे अपने घर में। ऐसे ही हम सिस्टम पे कोई फाइल बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमको एक मेमोरी लोकेशन की आवश्यकता होगी जिसमें वो उस फाइल को स्टोर करेगा, ठीक है। तो वो मेमोरी लोकेशन मैं F नाम का ले लेती हूँ क्योंकि हम फाइल पढ़ रहे हैं यहाँ पे, F देन इक्वल। अब फाइल सबसे पहले तो क्या है, फाइल के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए सबसे पहले मुझे उस फाइल को बनाना होगा, ठीक है। तो बनाने के लिए सबसे पहले मेमोरी लोकेशन की आवश्यकता है, वो तो मैंने ले लिया। अब फाइल बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, फाइल बनाने के लिए हमको सिंपल लिखना होता है ओपन। ओपन मीन्स हमको एक फाइल यहाँ पे बनानी है, ठीक है। ओपन कई चीज़ों में यूज होगा, यहाँ पे ओपन जो फंक्शन है ये फाइल को बनाने के लिए, फाइल को ओपन करने के लिए, फाइल को रीड करने के लिए अलग अलग पर्पज से यूज होगा। अभी सिर्फ और सिर्फ हम सीख रहे हैं फाइल को बनाना और उसके अंदर डेटा को लिखना, इसके आगे की चीज़ हम आगे के वीडियोस में सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने लिख दिया ओपन ना, ओपन में डबल इन्वर्टेड कोट्स करिए, सबसे पहले उस फाइल का आप नाम मेंशन कर दीजिए, फाइल का नेम मेंशन, मतलब जैसे कि ये फाइल है, ये नेम नाम की है, इसका मैंने यहाँ पे नेम मेंशन किया है, तो क्या नाम से समझ में आ रही है ना कि भाई ये एक फाइल है जिसका नेम दिया। तो सबसे पहले ये जो फाइल है, तो सबसे पहले इस तरीके की जो फाइल है इसको बनाने के पहले आपको सबसे पहले इस तरीके नाम मेंशन करना होगा, ठीक है। तो ये नेम नाम की फाइल है तो चलिए नेम नाम की फाइल बना देते हैं, या नेम वन नाम की बना देते हैं, किसी भी प्रकार की फाइल आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, कोई भी फाइल होती है कंप्यूटर के अंदर, ऐसा तो नहीं आपको फाइल जब स्टोर करनी है तो सिर्फ एक ही टाइप की फाइल हो जिसका, जो कि नोटपैड में हो, नोटपैड का आपको अपना डाटा स्टोर करने के लिए आप नोटपैड का यूज़ कर सकते हो, आप एमएस वर्ड का यूज़ कर सकते हो, आप एक्सेल का यूज़ कर सकते हो, किसी भी प्रकार की फाइल का यूज़ कर सकते हो डाटा स्टोर करने के लिए। तो आपको सिस्टम को ये बताना होगा कि भाई आप जो फाइल बनाने जा रहे हो उसका टाइप क्या होगा, ठीक है। जैसे हम नोटपैड की फाइल बनाने जा रहे हैं तो नोटपैड की फाइल का जो टाइप होता है वो होता है TXT। देख लेते हैं कैसे पता चलता है हमको किसी भी फाइल का टाइप। देखिए, कोई भी फाइल है उसके ऊपर आप ऐसे जस्ट क्लिक करिए, है ना, अपना कर्सर लाइए, उसके बाद राइट क्लिक करिए, ये जो फाइल है, ये जो पेज है मेरा, राइट क्लिक से डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके फिर आप चले जाइए प्रॉपर्टीज पे, और जब आप प्रॉपर्टीज पे जाते हैं तो देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ फाइल, किस टाइप की फाइल है, ये देखिए टेक्स्ट फाइल है, तो टेक्स्ट फाइल है तो उसके आगे ब्रैकेट्स में क्या लिखा हुआ, .txt। कोई सी भी फाइल होती है उसके बाद डॉट करके उसका एक्सटेंशन नेम होता है, जैसे कि हम लोग होते हैं तो हम लोगों का नेम होता है, नेम के साथ
एक सरनेम होता है। ऐसे ही प्रत्येक फाइल में भी, कंप्यूटर के अंदर जो भी फाइल होती है उन सभी फाइलों में नेम होता है, और नेम के साथ डॉट लग के उसका एक एक्सटेंशन नेम यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो एक्सटेंशन नेम है, बेसिकली जो नेम नाम की फाइल बनी है उसका एक एक्सटेंशन भी तैयार हुआ है जिसको हम बोलते हैं डॉट txt। मैं आपको एक और फाइल और दिखा देती हूँ। देखिए ये जो एक्स नाम, ये दिख रही है ना आपको एक्स नाम की, ये एक्सेल फाइल है। इसका मैं फॉर्मेट आपको दिखा देती हूँ, इसका मैं सॉरी आपको एक्सटेंशन नेम दिखा देती हूँ। सेम है, मैं फाइल पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, देन प्रॉपर्टीज पे गई, तो देखिए मुझे यहाँ पे XLSX, देखिए डॉट XLSX दिख रहा है यहाँ पे मुझे। तो ये मेरा एक्सेल का एक्सटेंशन नेम होता है। तो प्रत्येक फाइल का अपना एक एक्सटेंशन नेम जरूर होता है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें ध्यान रखना, जब भी आप ओपन लिखते हैं सबसे पहले आपको बताना होता है कि हम जो फाइल बनाने जा रहे हैं जिसमें हम अपना डेटा रखेंगे उसका नेम क्या होगा। सेकंड चीज़, डॉट लगा के आपको उसका एक्सटेंशन नेम लिखना होगा। तो मैं नोटपैड में बनाना चाहती हूँ तो मैंने उसका एक्सटेंशन नेम लिखा है .txt। ओके सो फाइल हम बनाने के लिए सबसे पहली कंडीशन, आपको एक मेमोरी लोकेशन लेना होगा, इक्वल का साइन लगाना होगा, ओपन लिखना होगा, ओपन फंक्शन लिखना होगा, फिर ब्रैकेट्स के अंदर कोई सा भी नाम, जो भी आप अपनी फाइल का नाम रखना चाहते हो वो नाम लिखिए, डॉट लगा के उस पर्टिकुलर फाइल का एक्सटेंशन नेम जरूर लिखिए, है ना। जैसे .txt लगा देना, ये आपको नोटपैड में ही वो फाइल चाहिए। तो डबल इन्वर्टेड कोट्स लग चुका है, इसके बाद आप कॉमा लगाइए। अब कॉमा लगाने के बाद इस तरीके से इन्वर्टेड कोट्स लगाइए। अब आप जो भी आप फाइल बना रहे हैं, तो बेसिकली फाइल इसलिए बना रहे क्योंकि उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ लिखना है, यानी आपको डेटा लिखना है जो डेटा हमेशा के लिए परमानेंट उसमें स्टोर रहेगा, ठीक है। तो आपको कोई भी चीज़ लिखनी है तो लिखने के लिए, लिखने का जो काम, इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, राइट। तो यहाँ पे लिखने के लिए, राइट के लिए सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा एक सिंगल लेटर यूज़ करना है जो कि है W। W बताता है कि आप अपनी फाइल में कोई ना कोई डेटा को लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको कॉमा करके इन्वर्टेड कोट्स के अंदर लिखना होगा W। ओके सो ये जो लाइन्स है ये तो आपको समझ में आ ही गए होंगे, तो हम काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। अब हम फाइल के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो फाइल के कॉन्सेप्ट में पहले मेमोरी लोकेशन का नाम, देन ओपन फंक्शन, ओपन फंक्शन के अंदर सबसे पहले फाइल का नेम जो भी आप चाहते हैं, उसके बाद कॉमा, और कॉमा के बाद इन्वर्टेड कोट्स में W, क्योंकि उस फाइल के अंदर आप कुछ लिखना चाहते हैं। नाउ फाइन, ठीक है। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब आप इस तरीके का प्रोग्राम रन कर रहे थे तो क्या हो रहा था, सिस्टम आपसे पूछ रहा था व्हाट इज योर नेम। फिर आपने जैसे नेम एंटर किया, सपोज आपने यहाँ पे नेम एंटर किया था रानी, तो वो यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे बताता है योर नेम इज रानी। तो अब हम क्या चाहते हैं कि जो आप जो भी नाम यहाँ पे लिख रहे हो रानी, जो भी आप एंटर करोगे आउटपुट स्क्रीन पे, वो डेटा बेसिकली चला जाए किसी ना किसी फाइल के अंदर। कौन सी फाइल के अंदर, जो फाइल आपने यहाँ पे बना दी है name1.txt, तो वो डेटा इसके अंदर स्टोर हो जाए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आपने ये जो फाइल बनाई है, बेसिकली इस लाइन का यही मतलब है कि आप name1.txt नाम की फाइल बना दो जिसके अंदर हम कुछ लिखना चाहेंगे, ठीक है। सीधी सी बात, आप सिस्टम को ये बता रहे हो ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं, जब आपने इस तरीके से कुछ लिखा है तो सिस्टम ने आपकी name1.txt नाम की फाइल बना भी दी है या नहीं बनाई, ठीक है, इतना देख लेते हैं। अब इसके लिए सबसे पहली चीज़, तो आप क्या करिए, यहाँ पे तो आपने लिख दिया एफ ओपन डॉट, है ना। इसके बाद आप प्रोग्राम के लास्ट में, जब भी आप फाइल्स में काम करते हैं तो आपको इस लास्ट में लिखना होगा f.close, प्रोग्राम के लास्ट में, ठीक है। तो अब हम इसको कंट्रोल एस की सहायता सेव करते हैं सबसे पहले अपने प्रोग्राम को, ठीक है। f1.py के नाम से तो पहले सेव है क्योंकि हमने ये दो लाइनें रन करके देखी थी, ठीक है। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारी name1.txt नाम की फाइल बनी भी है या नहीं बनी। तो अब ये चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आप अपने प्रोग्राम को सेव कर लीजिए, रन पे जाइए, रन मॉड्यूल पे जाइए। आपने अपना प्रोग्राम रन कर लिया, आपने यहाँ पे लिखा रानी, सिस्टम ने आपको बोल दिया योर नेम इज रानी। अब ये जो डेटा है ये आप चाहते हो कि फाइल के अंदर स्टोर हो, तो क्या डेटा फाइल के अंदर स्टोर हो गया होगा, नहीं अभी नहीं हुआ होगा। फाइल के अंदर स्टोर करने के लिए थोड़ी सी प्रोसेस बाकी है। अभी सिर्फ और सिर्फ हम इतना चेक करने जा रहे हैं कि वो फाइल हमारी बनी है या नहीं बनी। देखिए जब तक आप प्रोग्राम रन नहीं करते ना तब तक वो फाइल वहाँ पे नहीं बनती,
इसलिए हमको मजबूरी में प्रोग्राम थोड़ा सा रन करना पड़ा। तो अभी हम सिर्फ इतना चेक कर रहे हैं कि हमारी वो फाइल बनी है या नहीं बनी जिसमें हम लिखना चाहते हैं। तो आप यहाँ से सबसे पहले तो प्रोग्राम क्लोज कर दीजिए। अपनी फाइल को देखने के लिए आप फाइल ऑप्शन पे जाइए, देन आप ओपन पे जाइए। ओपन पे जाने के बाद यहाँ पर पाइथन फाइल्स लिख रही है ना, यहाँ पर आप क्लिक करिए और उसके बदले आप यहाँ पर टेक्स्ट फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको टेक्स्ट फाइल फटाफट हमारी मिल जाए, क्योंकि हमने जो फाइल बनाई वो टेक्स्ट फाइल की है। तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिए तो आपको देखिए अपनी टेक्स्ट फाइल यहाँ पे दिख गई है, नेम वन। ठीक है, यहाँ पे नेम वन नाम की फाइल बन चुकी है, दिख रही है आपको यहाँ पे नेम वन। इसको आप पे आप राइट क्लिक करके चाहे तो ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करा, ओपन विथ, और यहाँ पे आप गए नोट पैड पे। देखिए बन गई फाइल, बन चुकी है, लेकिन इसके अंदर अभी कुछ भी लिखा हुआ नहीं हुआ है। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे प्रोग्राम देखने से पहले। तो हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और इतना हमको समझ में आ गया कि हमारी फाइल बन चुकी है। अब हम उस फाइल में कुछ ना कुछ लिखना चाहते हैं। क्या लिखना चाहते हैं? जो भी हम नेम दे रहे हैं, जो भी हम आउटपुट स्क्रीन पर नेम दे रहे हैं, वो नेम हमारी फाइल के अंदर लिखा होता है। तो नेम कहाँ लिखना है? बेसिकली फाइल के अंदर। तो फाइल के अंदर लिखने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ से ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है हटा दीजिए, क्योंकि ये प्रिंट स्टेटमेंट कहाँ काम करता है? आपकी पाइथन की आउटपुट स्क्रीन पे। हम चाहते हैं कि सिस्टम जब भी मुझसे पूछे व्हाट इज़ योर नेम, तो मैं जो भी नेम दूँ वो कहाँ स्टोर हो जाएगा? एन मेमोरी लोकेशन के अंदर। और एन के अंदर जो भी डाटा स्टोर हो, जैसे कि मैंने रानी दिया तो रानी कहाँ स्टोर हो गया? एन मेमोरी लोकेशन के अंदर। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ ये जो डाटा एन मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर हुआ है, वही डेटा मेरी फाइल जो मैंने name1.txt नाम की फाइल बनाई इसमें जाके स्टोर हो जाए। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? फाइल में डेटा लिखने के लिए आपको लिखना होगा f.write। क्लियर? ध्यान रखिएगा ये फॉर्मेट है। ये देखिए, ये बेसिकली f क्यों लिखा है? क्योंकि आपने यहाँ मेमोरी लोकेशन f नाम का लिया है, तो आपको यहाँ पे f नाम का ही मेमोरी लोकेशन लेना होगा और f.write यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, f.write, इसके बाद आप ब्रैकेट्स लगाइए और ब्रैकेट्स के अंदर आप क्या लिखिए? ब्रैकेट्स के अंदर आप यहाँ पे लिख दीजिए n, यानी n के अंदर जो भी डाटा गया वो आपको अपनी आउटपुट, वो आपको अपने फाइल में name1.txt फाइल में मिल जाएगा। मिल रहा है यानी आइए देख लेते हैं। फाइल के अंदर डाटा स्टोर करने के लिए, फाइल को देखने के लिए फाइल हमारी बनी है या नहीं बनी, सबसे पहली चीज़ आपको अपने प्रोग्राम को रन करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कंट्रोल एस की सहायता से अपने प्रोग्राम को सेव कर देती हूँ, F5 की सहायता से रन करती हूँ। तो पूछ रहा व्हाट इज़ योर नेम, मैंने लिख दिया रानी, एंटर किया। अब इसने योर नेम इज़ रानी यहाँ पर प्रिंट नहीं करवाया, क्यों? क्योंकि आप समझ गए होंगे यहाँ पर कोई भी डाटा प्रिंट करने के लिए मुझे यहाँ पर प्रिंट कमांड लिखनी होती है, और यहाँ से मैं प्रिंट कमांड हटा चुकी हूँ, इसलिए आपको आउटपुट स्क्रीन पे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसके बदले मैंने क्या बोला? मैंने इसको बोला कि तुम ये जो नाम है उसको कहाँ लिख दो? फाइल के अंदर जाके लिख दो। यानी मैंने क्या लिखा? f.write, यानी जहाँ फाइल बनी है वहाँ पे लिख दो। क्या लिख दो? n मेमोरी लोकेशन के अंदर रखा हुआ डेटा। तो देखते उसने लिखा या नहीं लिखा। तो उसके लिए हमको सबसे पहले फाइल को ओपन करके देखना होगा। फाइल ओपन करने का सीधा सा कंसेप्ट, फाइल पर जाइए, ओपन पर जाइए, और यहाँ पे जो पाइथन फाइल्स है ना, इसके बदले क्या कर दीजिए यहाँ पे टेक्स्ट फाइल, और इसको और इस तरीके से स्क्रॉल डाउन कीजिए, देन नेम वन की जो फाइल है इसको यहाँ पे क्लिक कीजिए और ओपन भी करके नोट पैड पर ओपन कर लीजिए। देखिए जो भी डाटा था वो मैंने मेरा लिखा हो चुका है रानी। अब देखिए यहाँ पे ये जो सेम वैसी टेक्स्ट बन, वैसी नोट पैड बन चुका है जैसा हमने अभी नेम नाम का अपने डेस्कटॉप पर बनाया था। नेम वन के नाम से वो सेव हो चुका है और उसके अंदर रानी नाम स्टोर हो चुका है। यहाँ पे हम कुछ और लिख देते हैं, और भी कुछ लिख कर देख देते हैं, जैसे f.write, ब्रैकेट्स लगाइए, ब्रैकेट्स के अंदर डबल इन्वर्टेड कोट्स में लिख दीजिए, जैसे हमने अभी प्रोग्राम बनाया था ना, योर नेम इज़, जैसे सिर्फ और सिर्फ रानी लिखा हुआ आ गया था, योर नेम इज़ लिखा हुआ नहीं आ गया था। हम चाहते हैं बकायदा योर नेम इज़ लिखा हुआ है, देन आप जो भी नाम लिख रहे हो वो लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमने दोबारा से बना लिया अपना प्रोग्राम। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, आपने नेम वन नाम की फाइल तो देख ली थी ना, अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, जो फाइल का नाम है यहाँ पे चेंज करके देख लेते हैं, आपको और आइडिया लग जाएगा कि अब हमारी नेम टू नाम की फाइल बन रही है या नहीं बन रही। ठीक है, और नेम टू की फाइल में फिर वो बोलेगा व्हाट इज़ योर नेम, ये तो आपको आउटपुट स्क्रीन पर मिल जाएगा, और उसके बाद उस फाइल के अंदर लिखा हो जाना चाहिए योर नेम इज़, और जो भी आप यहाँ पर देते हैं व्हाट इज़ योर नेम, सपोज़ आप यहाँ पर नेम देते हैं रमन, तो फाइल के अंदर लिखा हुआ आ जाना चाहिए योर नेम इज़ रमन।
तो ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, और वो हमारा अब कहाँ पर होगा, नेम टू के, नेम टू नाम की फाइल के अंदर। आप चाहें तो नेम वन भी यहाँ पे रख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे नेम टू कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि दूसरी फाइल को किस तरीके से बनाना है। जब हमने यहाँ पे नेम वन दिया था तो नेम वन नाम की फाइल बन गई थी, और अब हम कौन सी फाइल बनाने जा रहे हैं, न्यू फाइल बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है नेम टू। ठीक है, कंट्रोल एस की सहायता से किया, एफ आई की सहायता से रन किया अपना प्रोग्राम, और सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया नेम रमन, यहाँ पे तो दिखेगा नहीं, कहाँ दिखेगा, फाइल में दिखेगा। अब फाइल कैसे देखना है, फाइल ऑप्शन पे जाइए, ओपन पे जाइए, पाइथन फाइल्स की जगह यहाँ पे आप टेक्स्ट फाइल को सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे देखिए नेम टू नाम की फाइल बन चुकी है। और अब मैं इसको यदि ओपन करती हूँ तो देखिए लिखा हुआ है योर नेम इज रमन, जो भी आपने आउटपुट स्क्रीन पे दिया था वो नाम आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। अब ये बेसिकली देखा जाए तो ये जो है नाम मेरा टेक्स्ट फाइल में आना चाहिए। यदि आपने इस तरीके से अभी ओपन की थी फाइल, दोबारा से देख लीजिए, टेक्स्ट फाइल और नेम टू, इस तरीके से डबल क्लिक करके ओपन की थी तो देखिए ये एक तरीके से जो आपकी पाइथन फाइल है उसी में डाटा दिखा रहा है। पाइथन फाइल में उसने एक टेक्स्ट फाइल बना के आपको इस तरीके से डाटा दिखा रहा है, पर मैं इसको प्रॉपर नोटपैड में देखना चाहती हूँ, तो उसके लिए आप क्या करो, फाइल ऑप्शन पे जाओ, फिर से ओपन पे क्लिक करो, प्रोसेस वही रहेगी, यहाँ पे टेक्स्ट फाइल पे चले जाओ, देन यहाँ पे नेम टू नाम की ना, देखो नेम टू का है, हाँ नेम टू, यहाँ पे राइट क्लिक करो, उस पर सिलेक्ट करके सबसे पहले नेम टू पे जाइए, सेलेक्ट कीजिए, है ना, इस तरीके से देखिए ब्लू लाइन बन गई, राइट क्लिक करिए, ओपन विथ पे जाइए, नोट पैड को खोल लीजिए, देखिए योर नेम इज रमन, यहाँ पे मुझे फाइल में लिखा हुआ दिख रहा है। अब ये फाइल मेरी हमेशा के लिए क्या हो गई, सेव हो चुकी है। ओके फाइन, सो आई होप सो अभी के वीडियो लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ आपको फाइल को बनाना और फाइल के अंदर डाटा लिखना आ गया होगा। ठीक है, अब हम इस फाइल के अंदर के डाटा में और भी डाटा कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे इसको रीड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।